कासगंज के पटियाली कस्बा में हजरत अमीर खुसरो स्कूल में आयोजित विदाई समारोह संपन्न हुआ। जूनियर छात्रों ने सीनियर छात्रों को उपहार देकर विदा किया। प्रधानाचार्य बुलंद अख्तर ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय का नाम रोशन करने की बात कही। प्रबंधक परवेज कुरैशी ने कहा कि आज के विद्यार्थी कल का भविष्य है। उन्होंने छात्रों से लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ने की नसीहत दी। इस दौरान सीका शर्मा, उज्मा, गुलशन, इरम, मोहित चौहान, शैलेंद्र चौहान, दीपक, राहुल राठौड़, महाराज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। समस्त स्टाफगण और हमारे पत्रकार भाई, मेरे भाई हैं सभी, कोई छोटा कोई बड़ा, मेरे सब भाई हैं, आज सब मौजूद हैं। जनाब आमिर कुरैशी साहब, अजमेरी भाई साहब, गौरव जी, विशाल जी, आप सभी का खैर मकदम में स्वागत है। बच्चों, वैसे तो आप लोगों का, जैसे सर ने भी कहा कि आज आपका आखिरी दिन है इस विद्यालय में, पढ़ाई के हिसाब से तो आज आखिरी दिन है, लेकिन जैसे सर ने कहा, जैसे कभी भी इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की, हम लोगों का रोशनी फैलाएं आप। जैसे एक हमने आपको चैप्टर भी एक बार पढ़ाया था, उसका भी एग्जांपल मैंने बताया आपको, गुरु नानक वाला भी बताया था हमने। गुरु नानक के साथ उनके शिष्य थे और वो एक गांव में जब निकले, गुरु और शिष्य अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे वो लोग, तो एक गाँव में पहुँचते हैं तो वहाँ उस गाँव के लोग असभ्य लोग थे, रूढ़ लोग थे। उन लोगों ने, रात हो गई थी तो रात में उन्हें रुकने के लिए ना तो जगह दी और ना ही खाने के लिए खाना दिया, भोजन भी नहीं दिया था उन्हें। तो उन लोगों ने रात खुले में व्यतीत की थी, पूरी रात परेशान रहे वो लोग। किस लिए परेशान रहे? क्योंकि वो लोग जो थे असभ्य लोग थे, उन्होंने उन्हें रुकने के लिए जगह नहीं दी।